हेलो गाइस, मैं हूं मनीष। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो बताएंगे साइकिल के जो होते पावर ब्रेक वो हो जाते खराब, हम उसी ब्रेक को ही चालू करेंगे। तो जो जो मेरी वीडियो देख रहा है, जल्द से सब्सक्राइब करना और देर ना करते वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस, लेना हमें 10 नंबर का, 5, 10, 11 का, और एक लाइन हमको प्लायर या पिंचेस। वीडियो का शुरू करते हैं। तो गाइस, ये है उसके कंपोनेंट दो पावर ब्रेक के, और गाइस इसमें लगती है स्प्रिंग, जो कि ये स्प्रिंग है दो, इस नट से चलते हैं ब्रेक कंपोनेंट। तो गाइस, हम इसी को हटा दें तो कैसा रहेगा, इसी चलते हैं और ब्रेक ख़राब हो जाते जब ये काम करना बंद करे, तो हम इसको डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे इसका। हम ये उसके गिट्टी पावर ब्रेक की, ये दो गिट्टी है। तो गाइस, ये उसके नट जो कि कंपोनेंट कसने के लिए लगते हैं, ये दो नट है, और ये उसके वाइशर। तो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, ये वो हिस्से हैं और इसमें होते तीन होल ये स्प्रिंग फंसाने के, हम इसमें डायरेक्ट स्प्रिंग फंसाएंगे अब। तो गाइस, ये जो अपने बताया था अभी नट को हम निकाल देते हैं, क्योंकि इसी नट से काम करती स्प्रिंग, लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे तो नट निकाल देते हैं। ये नट निकाल दिया हमने। तो गाइस, ये होल में हम बैठाए थे स्प्रिंग, हम होल के ऊपर रख रहे हैं अभी स्प्रिंग को, तो हम, और ये उसका जो हम नट निकाला वो हिस्सा, और ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हो गया। तो गाइस, ये वाइसर सहित नट है और इसको हम कस देते हैं अब कुछ इस तरीके से, हमें इसे कसना होगा। तो गाइस, ये हमने कस दिया है, अब ये स्प्रिंग को हम इसमें लगा देते हैं और देखते हैं हमारा कंपोनेंट चलता है या नहीं। तो गाइस, ये हमने लगाई स्प्रिंग, और स्प्रिंग से हमारा कंपोनेंट वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, हमें उस साइड भी कुछ इस तरीके से ही लगाना होगा। तो गाइस, इस साइड भी हम वही करेंगे, पहले स्प्रिंग तो हमने डाल दी है, अब ये वो हिस्सा जिसका हमने नट निकाले थे, और ये कंपोनेंट, और ये नट सहित वाइसर, इसको हम कस देते हैं। और ये आज देखते हैं कंपोनेंट काम करेगा या नहीं। गाइस, ये भी कंपोनेंट काम कर रहा है, ये देखिए आप ही। तो गाइस, कंपोनेंट हमारा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं दोनों, और हाँ, ब्रेक एडजस्ट करते हैं। तो गाइस, इसमें होते हैं कुछ इस तरीके के वाइसर, ये तो है बोल्ट, और ये है एक वाइसर मोटा, फिर एक पतला वाइसर, फिर एक मोटा, फिर पतला, ये चार वाइसर रहते हैं, और इससे हमें गिट्टी कंपोनेंट में कसनी होती है। तो गाइस, हम अब गिट्टी को कंपोनेंट में कसते हैं। तो गाइस, अब हम स्प्रिंग को हम फिर से यहाँ से निकालते हैं, और अब हमारे कंपोनेंट में गिट्टी लगाते हैं। हम यहाँ पे लगा रहे हैं एक मोटा वाइसर पीछे साइड, और एक पतला वाइसर, तो गिट्टी को कंपोनेंट में लगा देते हैं अब। ये आ गई गिट्टी यहाँ पे, और हम लगाते हैं इसमें अब आगे भी एक मोटा वाइसर, एक पतला वाइसर, और ये है इसका बोल्ट। तो गाइस, अब हमें इसे कसना होगा पानी से। ये हमारा हो गया, गिट्टी हो गई टाइट,
और एक बार और घुमा देते हैं उसको अच्छी टाइट, ताकि रिंग के नीचे भी नहीं जानी चाहिए ना टायर के ऊपर आना चाहिए गिट्टी। और ये लगाए थे हमारी स्प्रिंग, तो गाइस हम उस साइड भी गिट्टी लगाए थे। तो गाइस अब हम इस साइड की स्प्रिंग निकाल लेते हैं और गिट्टी को लगा लेते हैं। हमने उस साइड भी ऐसे वायर लगाया, एक मोटा एक पतला, और इस साइड भी हम वही करेंगे। तो गाइस इस गिट्टी को भी अच्छी टाइट कसना होगा हमें, और इस साइड गिट्टी ना टायर के नीचे जानी चाहिए और ना ही ऊपर रिंग के। और हम स्प्रिंग को लगा लेते हैं अब, और अब हम लगाते हैं ब्रेक केबल। तो गाइस अब हमें इसमें केबल डालनी होगी, ब्रेक केबल कुछ इस तरीके से ही आ गई केबल। अब ये हमें ब्रेक बटन में डाल के कसना होगा। ये ब्रेक बटन काम करेंगे लूज, ये उसका बोल्ट आ गया, और उसमें होता है एक वायसर कुछ इस तरीके का, और इसमें जाता तार, इसमें होल है एक छोटा सा, उसमें डालेंगे हम तार। और हमें स्प्रिंग को फिर से निकालना होगा यहाँ की दोनों तरफ की। क्योंकि वो फिर खींचे लेते हैं तो तार नहीं आ पाता फिर, इसलिए। और हमें डालना होगा वापस वही वायसर। और ये बोल्ट वापस से कसना होगा हमें। तो गाइस इस पानी से हमें नट को कसना हो टाइट, ताकि ब्रेक तार नट से ना छूटे। तो गाइस नट हो चुका टाइट, और हमारे कंपोनेंट भी अच्छे तरीके से काम कर रहे दोनों। ब्रेक तो हो चुके हैं पावरफुल बिल्कुल, और ये हमने बिना नट के किया, डायरेक्ट कनेक्शन किया था हमने। ये देखिए कंपोनेंट बिल्कुल स्मूथ चल रहे हैं बिल्कुल। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और तमाम दोस्तों में शेयर करना।